आराम से बेटे पहले लिख लो, भले समझ कुछ नहीं आएगा कोई बात नहीं, बंदा हाजिर है मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा बेटे। बेटे मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा, फिर भी एक बार लिख ले बेटे, समझाऊंगा ना, अभी कह तो दिया समझाऊंगा, मुंह छोटा कर लेते हो बेटे एक सेकंड में। लिख लिया जी बेटे, ये भी लिखना है, फॉर्मूला लिखना है बेटे, एक फॉर्मूला है, रटना नहीं है बेटे, खाली लिखना है, मैं अभी समझा दूंगा कैसे आया, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब समझाऊंगा, बस लिख लीजिए। EPS इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा मैंने, EBIT माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सिंबॉलिकली वी कैन राइट एज फॉलोस एंड देन पुटिंग द फिगर्स वी कैन कैलकुलेट EBIT। आराम से बेटे, EPS 1, देन वो फॉर्मूला वो लिखा लेकिन 1 1 लिख दिया, फिर 2 2 लिख दिया। नाउ वी नो EPS 1 इज इक्वल टू EPS 2, सो सॉल्विंग RHS वी कैन कैलकुलेट EBIT, तक लिखिए। लिख लिया बेटे, अब बात को ध्यान से सुनना है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप ध्यान से बात को सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूं बेटे, ये वाली चीज वैसे मैंने आपकी किताबों में भी लिखी हुई है, एक बार अगर आप देखें तो किताबों में भी दिखेगी। मैं दिखाता हूं बेटे एक सेकंड, बेटे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी स्लैश इक्वलेंसी लेवल और राइट अ नोट ऑन ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। आप सभी ये वाला पेज निकालिए, पेज नंबर 204 है बेटे, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, मैंने लिखा है द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी। मैं बार बार बोल रहा हूं ऑफ ईबीआईटी इज रेलेवेंट व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ टू प्रपोजल्स। अंडरलाइन कर दीजिए इस लाइन को, 50 बार पेपर में आ चुका है, आई शुड हैव, 100 बार सीएस में आ चुका हो।
The concept of indifference point is relevant when we have to make a choice out of two proposed capital structures. One may have no financial leverage and other may have lower financial leverage or higher financial leverage. बेटे मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अभी तक देखा कि आपके सामने दो प्रपोजल्स होते थे, कई जगह तीन प्रपोजल्स होते थे और आप क्या करते थे, ईबीआईटी से शुरू करते थे, लेस इंटरेस्ट लेस कर देते थे, बैलेंसिंग फिगर ईबीटी आ जाती थी, फिर टैक्स भी लेस कर देते थे, फिर बैलेंसिंग फिगर ईएटी आ जाती थी, फिर बेटे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कर देते थे, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व करते थे, लास्ट में ईपीएस कैलकुलेट करते थे। तो आज तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते थे। मान लेते हैं दो प्रपोजल्स हैं, हो कितने भी सकते हैं। मैं कहता हूं जी आपने कहानी किस्मत की यहां से शुरू की, ये फिगर्स आपके पास आनी शुरू हो गई, ये फिगर्स आनी शुरू हो गई, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, लेस टैक्स इज इक्वल टू ईएटी, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, बेटे ये आ गया प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस। बेटे आपको ये चीज गिवन होती थी और सेम होती थी और नीचे नीचे आप कैलकुलेट कर लेते थे और नीचे पहुंच जाते थे और ईपीएस तक निकालते थे और जिसकी ईपीएस ज्यादा आती थी, अगर मान लेते प्राइस अर्निंग रेशो दिया ही नहीं हुआ, तो जिसकी ईपीएस ज्यादा आती थी आप उस ऑप्शन को ले लेते थे। मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान के चले ईपीएस दोनों की सेम आ रही है, सेम आ रही है, मान लेते हैं सेम है, वो पूछ रहा है जी अगर ये सेम हो तो ये बताओ कि ईबीआईटी कितनी रख दे, कितनी कितनी ईबीआईटी हो जिससे 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 हाँ जिससे ईपीएस सेम आ जाए, कितनी ईबीआईटी हो, कितनी ईबीआईटी हो जिससे ईपीएस सेम आ जाए, उस लेवल को बोलते हैं दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी इज नेम्ड एज इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। आराम से बेटा लिखना, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनना है। मैंने कहा जी इसका नाम इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है, इस कंसेप्ट का नाम है इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी या इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। इसका मतलब ऐसा कौन सा लेवल है ईबीआईटी का, ऐसा कौन सा लेवल है ईबीआईटी का जिसको पुट करने के बाद, जिसको पुट करने के बाद ईपीएस नीचे सेम आ जाए। बेटे बेटे इसी लेवल को हम कहते हैं इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। बेटे इसी को बोलते हैं इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। बेटे इन डिफरेंस लेवल कितना रख दे कि हमारी
ईपीएस नीचे सेम आ जाए, जरूरी नहीं आ भी जाए, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे। तो बेटे मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी डिसाइड करें कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, मैंने ये बात लिखवाई थी बेटे, कुछ डिसीजन क्राइटेरियाज होते हैं, कंसेप्ट 9th में हमने लिखा था डिसीजन क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल डिसाइड ऑप्टिमम ऑप्टिमम दैट इक्विनिमिक्स। बेटे ये जो डिसीजन क्राइटेरिया है इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रिटर्न बेस रिटर्न के क्राइटेरिया और एक रिस्क के और कॉस्ट के जो भी बताने हैं। मैंने कहा जी हायर रिटर्न लेते हैं वो बेटे लो कॉस्ट लेते हैं, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए जिसका मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा हो, मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे ज्यादा हो। दूसरी देनी चाहिए जिसका अर्निंग प्राइस पर शेयर सबसे ज्यादा हो, मतलब अगर एमपीएस डिसाइड नहीं कर पा रहे या एमपीएस से निकाल ही नहीं पा रहे तो फिर ईपीएस के बेसिस में करेंगे। बेटे कॉस्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं इन डिफरेंस लेवल। बेटे यार एक थर्ड क्राइटेरिया भी बता दिया, आप इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, आज पता चलेगा। अभी तो मीनिंग बताया कि इंडिफरेंस लेवल होता क्या है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर मेरे बेटे लिवरेजेस से भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेवल बेस्ट है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं डेट इक्विटी मिक्स बेस्ट निकालने के लिए एक तो रिटर्न का बेस होना चाहिए और एक रिस्क का और कॉस्ट का बेस होना चाहिए। रिटर्न हायर लेना चाहिए और रिस्क और कॉस्ट लोअर लेना चाहिए। रिस्क और कॉस्ट में इंडिफरेंस पॉइंट है, दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा है लिवरेजेस। तो मैं अभी इंडिफरेंस लेवल बता रहा हूं, तो मैंने कहा हमें वो स्ट्रक्चर लेना चाहिए जिसका इंडिफरेंस लेवल लोअर हो, वो भी देख लेंगे क्यों। तो इन डिफरेंस लेवल के बारे में मैंने दो बातें बताई, एक तो मीनिंग और एक बताई इसकी इंपॉर्टेंस जो अभी बतानी है हाउ इट विल बी यूजफुल। एक तो मीनिंग और एक इंपॉर्टेंस, हाउ दिस विल बी यूजफुल वाइल सिलेक्टिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। तो मैं पहले मीनिंग बताऊं और फिर इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताऊं, फिर आगे चलूंगा। बेटे तब तक एक बार आप थ्योरी में पढ़ लीजिए, इन डिफरेंस लेवल के बारे में पढ़िए एक बार। मैंने कहा मीनिंग का मतलब तो मुझे समझ आ गया, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी मींस, इट मींस दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस विल रिमेन सेम। तो बेटे हिंदी अनुवाद देखे तो क्या है, जहां पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन डिफरेंस नो नो डिफरेंस इन नो डिफरेंस इन माय ओपिनियन, मेरी ओपिनियन के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों में ईपीएस सेम है, उस लेवल को बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। अब मैं बताना जा रहा हूं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, और जैसे ये समझ आ जाएगा मैं बताऊंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। बेटे एक एक करके करेंगे, जल्दबाजी तो करनी ही नहीं है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस,
how it will be useful, how it will be useful in designing optimum debt equity mix. तीन बातें करनी है बेटे, एक indifference level of EBIT, एक how to calculate और एक what is importance and how it will be useful in designing optimum debt equity mix. ठीक है जी, चलिए मैं आपके सामने मान रहा हूं, let there be, हमें calculation बार पहले बता रहा हूं, calculation के लिए मैं एक चीज मान रहा हूं, let there be two capital structures. मान लेते हैं कि दो capital structures हैं. Let there be two capital structures. तो अगर दो हैं, तो मैं तभी तो indifference level निकाल सकता हूँ. Indifference level तो दो के बीच में निकलता है ना, पहले में और दूसरे में, तभी तो निकलेगा indifference level. अकेले में क्या निकलना है? अकेले में क्या निकलना है? अकेले में क्या निकलना है? तो मैं लिख रहा हूं जी, मैं लिख रहा हूं let there be two different difference, two capital structures. अब मैं पहले capital structure में या दूसरे में define करने के लिए one और two का प्रयोग करूंगा. जैसे पहला proposal है, तो मैं यहां पे लिखूंगा EBIT one, interest one, EBT 1, tax 1, EAT 1, preference dividend 1, transfer to reserves 1, यहां लिख दिया जी profits available to equity shareholders 1, number of equity shares 1, EPS 1. बेटे खाली समझाने के लिए मैंने 1111111111 कर दिया. तो मैं यहां लिखूं EBIT 2, interest 2, EBT 2, tax 2, EAT 2, preference dividend 2, transfer reserve 2, profits available to equity shareholders 2, N 2 and EPS 2. तो बेटे मैं आपसे यही कह रहा हूं, इस चीज को मैं अब यहां पर ये निकालना है और ये मुझे पता है कि सेम होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं फॉर्मूले टाइप पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं. देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं EPS 1 कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस. EBIT 1 माइनस इंटरेस्ट 1 इनटू 1 माइनस टैक्स 1 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1. ईपीएस 2 इज इक्वल टू ईबीआईटी 2 इंटरेस्ट 2 1 माइनस टैक्स 2 प्रेफरेंस डिविडेंड 2 अपॉन एन 2. बोलो बेटा, लिख सकते हैं नहीं? और मुझे पता है कि एट इंडिफरेंस लेवल ये दोनों को दोनों क्या होंगे? सेम होंगे. अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो बेटे मैं आरएचएस को भी सेम कर सकता हूं. फिर मैं लिखूंगा एज वी नो ईपीएस 1 इज इक्वल टू ईपीएस 2 लेट देयर बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 2 that is LHS of equation 1 is equal to equation 2. Hence it implies RHS of equation 1 is equal to RHS of equation 2. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं.
बेटे अब तो दोनों को सेम ही तो करना है। मैंने लिख दिया EBIT 1 माइनस इंटरेस्ट 1 इन, ये क्या आ गया बेटे EBT। इसमें से बेटे 1 माइनस टैक्स करना है। अगर मैं टैक्स से गुणा करूंगा तो टैक्स आ जाएगा, मुझे टैक्स लेस करने के बाद वाली फिगर चाहिए, इसलिए ये वाली फिगर आ गई EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये वाली फिगर आ गई प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अपॉन N1 इज इक्वल टू EBIT 2 माइनस इंटरेस्ट 2 इंटू 1 माइनस टैक्स 2 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 2 अपॉन N1। और बेटे EBIT गिवन नहीं है, बाकी सब कुछ गिवन होगा, बाकी सब कुछ गिवन होगा मेरे बेटे। तो क्या वी कैन देन कैलकुलेट, वी कैन देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट इन डिफरेंस लेवल, वी कैन देन कैलकुलेट इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। तो हम इन डिफरेंस लेवल निकाल सकते हैं आराम से बेटे, मैंने यही बातें आपको बतानी थी। अब मैं उसी क्वेश्चन को करूंगा जो क्वेश्चन में आपने एक पेज छोड़ा है। या चलिए मैं एक छोटा सा पॉइंट और करा दूं, मैं चाहता हूं कि एक नया क्वेश्चन कराऊं फिर आपको उसी क्वेश्चन में ले चलूं। क्वेश्चन नंबर 10th एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन 10th बेटे। तो अभी कुछ बातें बतानी है मैंने इसमें, क्वेश्चन नंबर 10th देख लें। टेंथ बेटे आपके लिए निकाल रहा हूं एक सेकंड के लिए। इनडिफरेंस पॉइंट और इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT 10th क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपको इंडिफरेंस पॉइंट समझ आ जाएगा। अ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन रिक्वायर्स अ आउटफ्लो ऑफ 300 लाख। एक बच्चा कहने लगा कि मास्टर तूने वो क्वेश्चन तो कंप्लीट ही नहीं कराया सिक्स और उसका पेज छुड़वा दिया। कोई बात नहीं अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा, पहले एक बार इंडिफरेंस पॉइंट समझ लो फिर वहां का इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालेंगे। A new project under consideration requires outflow of 300 lakhs. The required funds to be raised either by equity shares or by equity shares of value of 200 and a loan of 100. Assuming this. Calculate the equity shares investors indifferent to the two options. Verify your answer by calculating EPS. आराम से बैठे 10th क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
बेटे टेंथ पढ़ लिया, आओ बेटे हम इंडिफरेंस पॉइंट को सीख ले पहले कि हम कैसे करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। तो बेटे टेंथ क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन टेंथ में सबसे पहला स्टेप लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। बेटे प्रपोजल वन भी है टू भी है, बेटे 300 लाख की जरूरत है, 300 लाख की जरूरत है। एक तो ऑप्शन ये है कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं 300 लाख, बेटे 3 लाख इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से बेटे 300 लाख। और दूसरी ऑप्शन क्या है बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल तो 200 लाख। एंड लोन 15% 100 लाख। ये आ गया बेटे 300 लाख, ये आ गया जी कैपिटल एम्प्लॉयड 300 लाख। बेटे अब मुझे क्या करना है।